क्षेत्र में पिछले दिनों से फैली लंबी बीमारी को लेकर कई गायों की मौत हो रही है। इसको लेकर अभी तक सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाए हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने स्वैच्छिक बाजार बंद रखकर आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं बाजार बंद रखकर बैठक आयोजित की गई व रैली के रूप में उप तहसील कार्यालय जीवाना पहुंचे व व्यापारी मंडल व गो भक्तों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। हमारे साथ कुछ गो भक्त हैं, उनसे बात करेंगे। तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंप कर ये बताया है कि जैसे गायों के ऊपर जो लंपी बीमारी अभी इतने खतरनाक बीमारी जो फैली है, काफी गोवंश की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। सरकार अगर वोट बैंक की राजनीति करने सब लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि गाय वोट नहीं देती है, और गाय का वोट लगता होता तो सारे लोग आ जाते। यही बीमारी अगर नेताओं में हो जाती तो सारे लोग विदेशों से वैक्सीन पहुंच जाती, लेकिन आज गाय के ऊपर ये तकलीफ इतनी है। ताकि कोई भी नेता न तो बोलने का साहस कर रहा है, बाकी सब मुद्दे पे बोल जाएंगे, लेकिन गायों के मुद्दे पे कोई नहीं बोल रहा है। हम सरकार से अनुरोध भी करते हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि आप अपने स्तर पे किसी प्रकार गायों के लिए अति आवश्यक दवाइयां और वैक्सीनेशन ये उपलब्ध करवा के, गायों को टीकाकरण करवा के ग्राम स्तर पर बजट की व्यवस्था करवाए, ताकि गायों को जो मृत गाय है उनको समाधि दी जाए, और अन्य स्तर पे गायों के वैक्सीन और ग्राम स्तर पर और भी डॉक्टरों की टीम लगाई जाए। ताकि नहीं तो एक डॉक्टर रहता है, एक तो बेड को बुला लेते हैं और एक डॉक्टर यहाँ रहता है, एक डॉक्टर कहाँ तक पहुंचेगा? खेतों में पहुंचता है, गाँव में पहुंचे या गौशाला में पहुंचे? इसलिए गाँव स्तर पर डॉक्टरों की टीम गठित की जाए और गौशालाओं में समय पर नियमित सेवा दी जाए। इतना ही निवेदन है। समय पर वो भक्त मांग कर रहे हैं कि समय पर गायों का इलाज किया जाए और रोग के निदान के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। सुखदेव सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज। गंदगी फैल जाए, पानी है कम मरे रही, अगर मंडी मोड़ी गाँव से फैल जाए।